आज के बाद मतलब घोटाले के आरसी 21/2009 में जजमेंट जो है फैसला 25 तारीख को सुनाया गया था और आज सजा के बिंदु पे थी। सजा के बिंदु पे दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जितने 3 व्यक्ति दोषी पाए गए थे सब उनको 3 साल की सजा सुनाई और सबों को प्रोविजनल बेल यहाँ से ग्रांट किया, जिससे वो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाकर इस जजमेंट के खिलाफ अपना अपील फाइल कर सके। देखिए बेसिकली ये था कि हाईकोर्ट में एक PIL फाइल हुआ जिसका नंबर था PIL 803/2009, जिसके आधार पे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था, ये डायरेक्शन दिया था कि जिन जो सड़कें सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, खासकर जो NHO वाला रोड है, उन सब में जो रोड जिस रोड की स्थिति बहुत बदतर है उसकी जांच कर उस पर प्राथमिकी दर्ज करो। लेकिन ये ऐसा केस था जिसमें रोड अच्छी बनी, रोड बनी और रोड में आज तक कोई शिकायत नहीं है, ये साक्ष्य जो है अभियोजन के पक्ष से ही आया, जिस आधार पे कोर्ट ने ये महसूस किया कि रोड बनी, कुछ इरेगुलरिटीज हुई जिसमें लोगों को दोषी पाया। और इस केस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि CBI अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु पे अनुसंधान करने में सक्षम नहीं हुई कि सरकार को कितने रुपए की हानि हुई है सरकार।